लोकसभा चुनाव में 1% से हो गया खेला, बीजेपी को महज 1% वोट ने कर दिया बहुमत से दूर। पहले ये डेटा जान लीजिए, साल 2019 में बीजेपी को 37.70% वोट हासिल हुए और 303 सीट हासिल हुई। कांग्रेस को 19.67% वोट हासिल हुए और 52 सीट हासिल हुए। लेकिन साल 2024 में बीजेपी ने 36.56 240 सीटों के साथ वोट हासिल किए और कांग्रेस ने 21.19 99 सीट के साथ वोट हासिल किए। तो कुल मिलाकर यह स्थिति 1% वोट का अंतर था। राज्यवार स्थिति की बात करें, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं, बीजेपी को इस चुनाव में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। पार्टी इस बार अपने दम पर 272 सीटें यानी कि बहुमत के जादुई आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई। हालांकि एनडीए को इस चुनाव में 292 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी बहुमत के आंकड़े से खुद काफ़ी दूर रहते हुए अपने पिछले प्रदर्शन से 303 से 63 सीटों के नुकसान में इस बार रही है। इंडिया गठबंधन ने सभी अनुमानों को धता बताते हुए 234 सीटों पर सफलता हासिल कर ली, जिसमें कांग्रेस का प्रदर्शन 2019 में हासिल हुई 52 सीटों के मुकाबले 2024 में 99 सीटों का दिख गया। इस चुनाव में बीजेपी को कई राज्यों में वोट प्रतिशत का नुकसान भी झेलना पड़ा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मामले में अपने प्रदर्शन को कुछ बेहतर किया है। इस लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर बीजेपी का मत प्रतिशत 50 से भी अधिक है। ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़। कांग्रेस का भी दक्षिण और हिंदी पट्टी के कई राज्यों में 30 या 30 से ज्यादा मत प्रतिशत देखा गया है। 2024 में बीजेपी को किन राज्यों में वोट का फायदा या नुकसान हुआ, ये समझना जरूरी है। 2019 की तुलना में 2024 में हिंदी पट्टी और बड़े राज्यों में बीजेपी का वोट प्रतिशत काफ़ी बदला है। 2024 में बीजेपी को 36.56% वोट मिले, जो 2019 के आंकड़े 37.71% से कम है। बीजेपी के वोट में अधिकांश राज्यों में कमी आई, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा इजाफा हुआ। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अगर गौर किया जाए तो एनडीए को सीटों के लिहाज से 3 सबसे बड़े राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भारी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में बीजेपी को 33 सीटें मिली, महाराष्ट्र में पार्टी को 10 सीटें आई हैं, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी पार्टी को 12 सीटें मिली हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 2019 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 62 सीटें हासिल की थी, वहीं महाराष्ट्र में पार्टी को 23 और बंगाल में बीजेपी ने 18 सीटें जीती। इस बार इन तीनों राज्यों में ही बीजेपी की एनडीए को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। इतना ही नहीं, हिंदी पट्टी की अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। मसलन उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रदर्शन में काफ़ी गिरावट देखी गई। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी को 2019 की 10 सीटों के मुकाबले इस बार केवल 6 सीटों पर ही बढ़त मिल पाई। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो क्लीन स्वीप, पिछली बार तो आपको याद होगा क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी को इस बार 14 सीटें ही मिल पाई और काफ़ी नुकसान हो गया। बिहार की बात करें तो 2019 में बीजेपी को 17 सीटें मिली थी, इस बार 12 सीटों पर ही वो रह गई। झारखंड में भी बीजेपी ने पिछली बार 11 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार उसकी सीट घटकर 8 ही रह गई। अब थोड़े से डेटा पर नज़र दौड़ा लेते हैं कि क्या डेटा कहता है। तो डेटा क्या कहता है ये आपको बता देते हैं। 2019 के वोट प्रतिशत की बात करेंगे हम और 2024 के वोट प्रतिशत की बात करेंगे। परिवर्तन कितना आया, किस राज्य में कितना परिवर्तन आया, ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहले गुजरात उठाते हैं, क्योंकि गुजरात 26 की 26 सीटें बीजेपी यहां पर 2019 में जीती थी, लेकिन इस बार जो है सीटों की संख्या कम हो गई, 1 सीट घट गई। गुजरात की अगर बात की जाए तो 2019 में 63.10% वोट प्रतिशत जो है वो मिला था, 2024 में ये 61.86 हो गया, यानी कि नुकसान कितने का हुआ, 1.24% का नुकसान गुजरात में बीजेपी को हुआ। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में नुकसान की जगह फायदा देखा गया। मध्य प्रदेश में पिछली बार 58.50% बीजेपी को वोट शेयर हासिल हुआ था, लेकिन इस बार 59.27% यानी कि 0.77% जो है ये फायदा बीजेपी को हुआ है। लेकिन उत्तराखंड में भले ही सारी सीटें उत्तराखंड में जीत ली बीजेपी ने, लेकिन नुकसान अच्छा खासा वोट शेयर में देखने को मिला है, क्योंकि उत्तराखंड में 61.70% 2019 में जहां वोट शेयर था, इस बार 56.81% रह गया, यानी कि 4.89% का एक बड़ा झटका यहां पर देखने को मिला। लेकिन इससे बड़ा झटका हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में भी भले ही प्रदर्शन बेहतर रहा,
और सारी की सारी सीटें फिर से कब्जे में आ गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 69.70% ये प्रदर्शन था बीजेपी का। और ये 2024 में क्या हो गया, 56.44%, यानी कि 13.26% की गिरावट, यानी कि भारी गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही देखा गया, भारी गिरावट की अगर बात की जाए तो राजस्थान की अगर बात करें तो 59.10% राजस्थान में वोट शेयर था, जो कि 49.24% यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर सीटें भी घटी, सीटों का भारी नुकसान देखने को मिला, कितना अंतर देखने को मिला बीजेपी को वोट शेयर में, ये भी आप जान लीजिए। राजस्थान में 9.86% की गिरावट बीजेपी को यहाँ पर हुई है, राजस्थान में बड़ा झटका। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि यहाँ सीटें तो कम हुई लेकिन वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हरियाणा में 58.20% 2019 में रहा, जबकि 2024 में ये घटकर 46.11% हो गया, यानी कि 12.09% का नुकसान हरियाणा में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, और उत्तर प्रदेश में 2019 में वोट शेयर, वोट प्रतिशत बीजेपी का 50% था, और यहाँ ये 41.37% रह गया, यानी कि 8.63% का नुकसान। इसके अलावा एक राज्य और है, छोटा राज्य है झारखंड, झारखंड ने भी झटका ही दिया, 8 सीटें आई झारखंड में बीजेपी को, लेकिन 2019 में वोट शेयर जो है 51.60% था, 50% से ज़्यादा, लेकिन इस बार 44.60% रह गया, यानी कि 7% का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें, मुख्य राज्यों की बात करें तो राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, यहाँ पर बड़ा नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा है वोट प्रतिशत के हिसाब से और कुछ राज्यों में सीटों के हिसाब से भी। अब आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस की स्थिति क्या कुछ रही, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो हमने आपको अलग अलग राज्यों का वोट प्रतिशत जो है वो हमने आपको बता दिया कि क्या वोट प्रतिशत रहा है। 2024 में कांग्रेस को किन राज्यों में फ़ायदा हुआ और किन राज्यों में नुकसान, इसकी भी जाहिर तौर पर आपको जानकारी रखनी चाहिए। 2019 की तुलना में 2024 में हिंदी पट्टी में और बड़े राज्यों में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में इजाफा देखने को मिला है, फायदा हुआ है, और ओवरऑल की अगर बात की जाए तो ओवरऑल भी फायदा हुआ है 2019 की अपेक्षा 2024 में। क्या फायदा हुआ है, अब आपको एक एक करके राज्य के हिसाब से हम आपको बता देते हैं कि तस्वीर क्या बनी है। तो गुजरात की तस्वीर की अगर बात की जाए तो गुजरात में जहां बीजेपी को नुकसान हुआ 1.24% के वोट का, वहीं गुजरात की अगर कांग्रेस की बात करें तो 2019 के मुकाबले 2024 में कांग्रेस को यहाँ नुकसान ही हुआ है, और ये -1.36% का नुकसान है, क्योंकि 32.60% वोट 2019 में पड़े थे, 2024 में 31.24% वोट कांग्रेस को पड़े थे। लेकिन फ़ायदा कहाँ हुआ है, हिमाचल प्रदेश, जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हुआ, कांग्रेस को फ़ायदा हुआ। इसके अलावा कहाँ फ़ायदा हुआ, राजस्थान में फ़ायदा हुआ, राजस्थान में बीजेपी को नुकसान 9.86% वोट का हुआ, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस को फायदा 3.131% का हुआ है। इसके अलावा हरियाणा में अच्छा खासा फायदा कांग्रेस को देखने को मिला, 15.17% का फायदा हुआ साल 2024 में 2019 के मुकाबले, क्योंकि 2019 में 28.30% वोट ही 5% वोट ही यहाँ पर पड़े थे कांग्रेस के पक्ष में, जबकि इस बार 43.67% वोटों में भी परिवर्तित हुए, ये वोट जो है ये सीट में भी परिवर्तित हुआ है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी अच्छा खासा फायदा यहाँ देखने को मिला कांग्रेस को, 32.10% से बढ़कर ये 45.43% 2024 में हो गया, जो कि 13.33% का इजाफा यहाँ पर भी देखने को मिला। तो पार्टी के वोट शेयर में कई राज्यों में जो है इजाफा देखने को मिला है। अब बीजेपी और कांग्रेस को किस राज्य में कितने वोट प्रतिशत हासिल हुआ ये आप समझ लीजिए, ये 2019 का आंकड़ा हम 2019 का आंकड़ा हम बता रहे हैं, और 2019 के आंकड़े के अगर बात की जाए तो बीजेपी का वोट प्रतिशत कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली,
इन सभी राज्यों में बहुत अच्छा था और ये सभी राज्य 50% के पार थे। कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ को छोड़कर, छत्तीसगढ़ 41.5% रहा और इस सब को छोड़कर और पंजाब को छोड़कर बाकी जगहों पर कांग्रेस का वोट प्रतिशत काफ़ी कम नज़र आया था। लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल अगर बात की जाए तो 2024 में कांग्रेस के वोट शेयर में काफ़ी फ़ायदा देखने को मिला कांग्रेस को, और इस फायदे से सीटों में भी फायदा हुआ। 99 सीटें कांग्रेस को आई हैं, जबकि बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है, लेकिन खासा फ़ायदा भी देखने को मिला। ख़ास तौर पर अगर कुछ राज्यों की बात की जाए जिसमें दिल्ली है, जिसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर पिछले वोट प्रतिशत के मुकाबले इस बार वोट प्रतिशत बीजेपी के लिए अच्छा रहा है। लेकिन बड़े राज्य मसलन उत्तर प्रदेश या पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल, यहाँ पर वोट शेयर बीजेपी का जो है ये घट गया। सीटें ज़रूर जो हैं वो बीजेपी की वैसी हैं। ख़ास बात ये भी है कि इस बार जो वोट शेयर सामने आया है उसमें हम ये देखेंगे कि कई नेता जो हैं बहुत बड़े अंतर से जीते हैं। मसलन इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में 11 लाख के आसपास इंदौर सीट जीती गई और ये एक अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया गया। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने बड़े मत से जीत दर्ज की है, बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। इसके अलावा रायपुर की बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल ने भी 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। ये बड़े बड़े चेहरे जो हैं इन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है और इससे वोट शेयर जो है इसको आप समझ सकते हैं कि उन्होंने एक बड़ा वोट शेयर हासिल किया है। लेकिन ओवरऑल पार्टी की अगर बात की जाए तो पिछले 2019 के मुकाबले इस चुनाव की अगर बात करें तो इस बार वोट शेयर कम हुआ है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है, लेकिन सीटों का कितना बड़ा अंतर आया है और बहुमत से बीजेपी, अकेले बीजेपी को अगर बात की जाए तो बहुमत से अकेले बीजेपी जो है वो दूर रह गई। एनडीए के साथ मिलकर ज़रूर बीजेपी सरकार बनानी चाहती है।